गोंडा से आपको खबर बताते हैं, आरटीआई की धज्जियां उड़ा रहा है ग्राम सचिव, दो महीने से सूचना देने में कर रहा है हिलावाली। तो आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरटीआई की धज्जियां कोई और नहीं बल्कि ग्राम सचिव उड़ा रहा है और जानकारी देने में हिलावाली कर रहा है। दो महीने बाद पत्र लिखकर मांगे फोटो स्टेट के पैसे ग्राम निधि में जमा करने के बाद भी नहीं दे रहा है सूचना। डीएम और सीडीओ ने भी जो निर्देश जारी किए उन निर्देशों को भी नहीं मानता है भ्रष्ट सचिव। अब सूचना मांगने वाली संस्था को दे रहा है पैसे का ऑफर। 15 साल से एक ही पटल पर जमा है भ्रष्ट ग्राम सचिव। आदर्श ग्रामीण विकास सेवा संस्थान ने मांगी थी सूचना, संस्था अध्यक्ष ने डीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। डीएम साहब से मुलाकात किया जिसमें मैंने इसका हवाला दिया, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और सीजीओ को निर्देशित भी किया है कि इसमें जल्द कार्रवाई हो। किसको जांच सौंपी गई है, आखिर क्या लगता है अब तक हिला हवाली क्यों की गई? इसमें मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और इसी संदर्भ में ये लोग लीपापोती कर रहे हैं और ये जन सूचना नहीं देना चाहते हैं। कौन लगता, किन लोगों के संरक्षण में चल रहा है ये सब खेल भ्रष्टाचार? ये सारा स्कैम बीडीओ और पूर्व सेक्रेटरी जो विजय बहादुर सिंह हैं इनके बीच में ही सारा कुछ स्कैम चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जो प्रधान हैं उनका भी मिली जाता है।